So today let's see why steam causes more severe burns than boiling water. गर्म पानी में हाथ डालें या आप अगर भाप में हाथ लगाते हैं तो आपके burns ज्यादा severe होंगे, ऐसा क्यों? So the answer is जो स्टीम होती है स्टीम, उसके पास एक छुपी हुई एनर्जी होती है जो बॉइलिंग वाटर के पास नहीं होती. लेट सी व्हाट इज दैट छुपी हुई एनर्जी एंड द नेम इज लेटेंट हीट. लेटेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है हिडन, कुछ जो छुपा हुआ हो. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी ये छुपी हुई एनर्जी स्टीम के पास कहां से आती है. फाइन, तो मैंने यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए. अब दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. फाइन, सो दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. दिस इज अ वॉटर मॉलिक्यूल H2O. Fine. Now let's see. Here we'll write steam and here we'll write water. Let's see what happened. And this is a thermometer. ठीक. अब now this is water. ये water था. This is water. I have given heat. मैंने यहां से heat देना शुरू किया. जैसे इसको हीट मिली, दीज मॉलिक्यूल जो वाटर थे दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. कोई इधर से. क्यों वाइब्रेटिंग? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. तो जैसे हीट मिली दे एब्जॉर्ब हीट, काइनेटिक एनर्जी फास्ट, एंड वाटर मॉलिक्यूल दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. सो दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग जब तक कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आ गया. जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दे विल नॉट फर्दर एब्जॉर्ब एनी हीट. अब जो हीट मिल रही है, इट इज एक्चुअली यूज टू वीक दीज बॉन्ड्स. नाउ द हीट यू आर सप्लाइंग इज यूज टू वीक दीज बॉन्ड्स. नाउ द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एब्जॉर्बिंग हीट. और जब ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो टेम्परेचर में ऊपर बढ़ नहीं रहा है. टेम्परेचर विल एज इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. अब जो हीट मिल रही है वो दीज बॉन्ड्स, दे आर वीकनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड अ टाइम कम्स जब ये बॉन्ड टूटता है और ये वो मॉलिक्यूल उड़ गया. ये बॉन्ड टूटा, ये मॉलिक्यूल उड़ गया. ये बॉन्ड टूटा, ये मॉलिक्यूल उड़ गया. मीन्स द लिक्विड कन्वर्ट इन टू गैसेस. बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद जब वो स्टीम बना, सो स्टीम कंटेन्स बॉइलिंग टेम्परेचर तो था स्टीम के पास, प्लस वो जो हिडन टेम्परेचर था जिसको लेके मॉलिक्यूल्स उड़े ऊपर, दैट टेम्परेचर इज अ हिडन टेम्परेचर और हिडन हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. इसी लेटेंट की हीट की वजह से बॉन्ड ब्रेक हुए और वॉटर मॉलिक्यूल क्या बन गया? वेपर. सो द आंसर इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इन शॉर्ट, बॉइलिंग वाटर जो है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, मतलब ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, 100 डिग्री पे आ गए, ठीक. लेकिन जो अब जो हीट मिल रही है, दैट इज एक्चुअली यूज टू ब्रेक द बॉन्ड. और जब ये उड़ा तो इसके पास बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो था ही, हीट एनर्जी था ही, प्लस वो एनर्जी भी है जिसने बॉन्ड को तोड़ा था. सो दे सीम्स टू बी मोर पावरफुल. फाइन, सो दे सीम्स टू बी मोर पावरफुल देन वॉटर. देन यू गॉट द आंसर एंड यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. चिल्ड्रन, If you understood the topic well, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. And yes, my next topic is evaporation causes cooling effect. Thanks for watching.